Please subscribe to our channel and don't forget to click the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? अल्लाह पाक से बहुत बहुत उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा दोस्तों, ऐसे है कि आज आपने देखा कि मार्केट थोड़ी नेगेटिव परफॉर्म कर रही थी और मार्केट में काफ़ी इधर उधर क्या सराइयाँ हो रही थी जी, कि यूरोप की मार्केटें क्रैश कर गई हैं और ये हो गया, वो हो गया, और दूसरे नंबर पर कोरोना की भी खबरें फैलाई जा रही हैं कि जी कोरोना एकदम से यूरोप में बढ़ गया है और चाइना में बेकाबू हो गया है और अमेरिका, ये वो तमाम स्टेट्स में फैला हुआ। तो दोस्तों बात ये है, खुदारा आपको मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि नेगेटिव बातों पे बिल्कुल असर ना डालें। अगर आपने अपने आप को बर्बाद करना है तो नेगेटिव न्यूज़ इस तरह का इम्पैक्ट लें। अब देखें, ये खबरें बेबुनियाद हैं, कोई इनका जवाब ही नहीं है, क्योंकि कोरोना सिर्फ चाइना में अभी है, जो कि थोड़ा वो भी एक दो शहरों में है उनके, और वो काफ़ी देर से है, तकरीबन 5-6 महीने हो गए हैं और वो कंट्रोल पा रहे हैं और काफ़ी हद तक कंट्रोल पा लिया गया। दूसरे बात, यूरोप में भी कोरोना भी है, लेकिन अब चूंकि वो प्रेशर नहीं रहा इसका जो कि पहले होता था, कि अपना स्टार्ट में आया था एक नया था और पूरी जो लगा लें कि वर्ल्ड जो अपना टोटल कम्युनिटी है वो डर गई थी एकदम से, और इकॉनमी में बहुत ज़्यादा स्लो डाउन और डाउनवर्ड फॉल आया था और पेट्रोलियम मार्केटें क्रैश कर गई थी सारी। तो अब उस तरह का सिनेरियो नहीं है। अब चूंकि आप देखें कि वैक्सीन भी आ गई है, वैक्सीनेट हैं लोग, दोबारा से भी लगवा रहे हैं, मामला जो है वो काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आप इंटरनेशनल मार्केट खोल के देखें, तमाम वो स्टेबल हैं, वो हमारी तरह की पाकिस्तान की मार्केट की तरह थोड़ी है कि उन्होंने हर रोज़ वो क्रैश होना है, तो बिल्कुल इस तरह का कोई मसला नहीं है। मार्केटें उनकी ठीक हैं, स्टेबल हैं, कोई इस तरह की नेगेटिव न्यूज़ नहीं। आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखें और वर्किंग करें मार्केट के ऊपर कि क्या आपने ख़रीदना है, क्या बेचना है, क्या सूरत हाल है, वो चीज़ों पर आप नज़र डालें। नेगेटिव बातों पर अभी बिल्कुल आपने नज़र नहीं डालनी, क्योंकि ये जस्ट आपको गुमराह करेंगे, और ये वो लोग हैं, वो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जो सट्टेबाज और जो अपना माल बेच के बैठे हुए हैं। अब इन्होंने नीचे से माल उठाना है, नीचे से आप लोग स्टॉक जो बेचेंगे ये नीचे से उठाएंगे और इन्होंने उन्हीं में कमाई करनी है। बात यह है कि देखो, मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि बुल जो है वो तगड़ा हो चुका है, उसने 6 महीने से मुसलसल खूब एक्सरसाइज की है, और देखें कि मार्केट में जो है ना वो अब बुल जो है वो आपको बुलिश ट्रेंड देगा, और बुलिश ट्रेंड ऐसा आएगा कि आप लोगों के जितने स्टॉक हैं जो माइनस में है, लॉस में, तमाम के तमाम पॉजिटिव होंगे और आपको वो तगड़ी कमाई देके जाएंगे। ठीक है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बहुत से लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और तजर्बा ना होने की वजह से डेली लॉस बुक करते हैं। हम इस मसले का एक नया हल लेकर आए हैं। हमारा चैनल होट टोकन PSX लेकर आया आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी। हम अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप मुतारिफ करवा रहे हैं, जिसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए है। इसके साथ ही साथ हम PSX लर्निंग कोर्स भी शुरू करवा रहे हैं, जिसमें आपको तमाम मालूमात दी जाएगी PSX के बारे में और आपको एक बिग प्लेयर बना दिया जाएगा। हमारा ग्रुप ज्वाइन करें और रोजाना के लॉस को करें बाय बाय। तो स्क्रीन पर ये नंबर चल रहा है, इस पर रابطہ करें और इन दोनों में से जिस चीज में भी आप इंटरेस्टेड हैं उसमें रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो आप थोड़ा सा वेट करें जस्ट, क्योंकि अब मार्केट देखें, असल रीजन मैं बताऊं कि मार्केट क्यों आज डाउन थी। नंबर एक तो थोड़ी करेक्शन हो रही है, दूसरे नंबर पे कोई भी ईद आए, चाहे छोटी ईद हो चाहे बड़ी ईद हो, आपको पता है कि उस पर लोग प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, अपने सरमाए को निकाल लेते हैं, वो इस वजह से निकाल लेते हैं। एक तो कुछ उनको अपना चाहिए होता है कि अपने मामलात को कवर करने के लिए 5-6 छुट्टियाँ होती हैं, जिसमें कि कुर्बानी के लिए जानवर वगैरह भी लाने होते हैं, वो अपना दूसरे खर्चे वगैरह ये वो। और सबसे बड़ा जो पाकिस्तान में ये एक मामला होता है कि आप फ्राइडे को देखें, जो दूसरा सेशन होता है उसमें मार्केट डाउन होती है, लोग आगे 2 छुट्टियाँ आती हैं, तो जितना इन्वेस्टर्स है वो पैसा निकाल रहा होता है, जो कि शॉर्ट ट्रेडिंग वाले और डे ट्रेडिंग वाले होते हैं। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला होता है वो कभी भी नहीं निकालता पैसा, तो जो ये शॉर्ट टर्म वाले हैं वो पैसा निकालते हैं कि 2 दिन छुट्टियों के हैं, हफ्ता इतवार, उन दिनों में अगर कोई बैड न्यूज़ आ गई, मीडिया चैनल पर चल गई,
तो मार्केट की बैंड बच जाएगी, इस वजह से वो पैसा निकाल लेते हैं कि हमें मौका मिलेगा फ्रेश बाइंग करने का। अगर आप अपने घर की प्लेन दीवारों से परेशान हैं और अपने घर या ऑफिस को ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं तो डिस्टेंपर और पेंट को हमेशा के लिए करें साइड पर और अपने घर में शानदार वॉलपेपर शीट्स लगवाएं। ये शीट्स इंतहाई खूबसूरत और स्टेन रेजिस्टेंस फ्री हैं और इसमें 200 प्लस अट्रैक्टिव डिजाइन है। ये वॉलपेपर शीट अप टू 10 ईयर की गारंटी के साथ आती है और कीमत डिस्टेंपर और पेंट से भी ज्यादा मुनासिब है। अगर आप भी अपने घर में एक्सीलेंट क्वालिटी ब्यूटीफुल वॉलपेपर शीट्स लगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चलते हुए नंबर पर रब्ता करें। तो दोस्तों बात है कि अभी आपके लिए सिनेरियो बेहतर है, पॉजिटिव है, मार्केट के ऑल इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं, बुलिश ट्रेंड है और 100% केसी 100 इंडेक्स आपका 50K को क्रॉस करेगा। आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, आप ये थोड़ा सा वेट करें, IMF का पैकेज आने दें पाकिस्तान में, फिर ये देखिएगा आप कि तमाम जितने भी बिग प्लेयर हैं, सट्टेबाज हैं, मैनिपुलेटर हैं, वो भी एक्टिव हो जाएंगे मार्केट में, पैसा फेंकेंगे ऐसे जैसे कि दरिया में पानी होता है, ठीक है। और बहुत तेज़ी से आपके स्टॉक ऊपर बढ़ेंगे, उनमें आपको मैंने बताया था कि आप देखेंगे कि ऐसे स्टॉक लगेंगे कि तकरीबन 150 स्टॉक्स जो हैं उनसे ऊपर जो स्टॉक हैं उनको वो अपर कैप पे होंगे, बाकियों में भी किसी में 70% प्रॉफिट, किसी में 50% ऐसे करके चलेगा। तो बात ये है कि आपने घबराना नहीं, खुदारा दूसरों की बातों में आके आप लोगों ने लॉस पे कुछ नहीं बेचना, सिर्फ पैशन रखें। अगर मार्केट इस तरह का परफॉर्म करें तो डिप में आपको इतने ज़बरदस्त किस्म के स्टॉक बताएं आप वो बाय करें। आप देखें ना कि जैसे परफॉर्म करने वाले स्टॉक होते हैं, एंग्रो फर्टिलाइज़र है, उसके बाद ये EPCL देख लें, वेंशियन देख लें, उसके बाद सिस्टम्स लिमिटेड देख लें, ऑक्टोपस देख लें, नेटसॉल देख लें, ये ऐसे स्टॉक हैं, ये नीचे जाते हैं तो रिकवरी फौरी होती है इनकी, ठीक है। तो बस आपने क्या करना है कि आप सिर्फ और सिर्फ ये देखें कि आगे आपका बुलिश ट्रेंड है, पॉजिटिव बातों पे नज़र रखें और वो सारी की सारी जितनी न्यूज़ हैं आपकी इंशाल्लाह ताला अनकरीब वो कैश होंगी न्यूज़ जो पॉजिटिव न्यूज़ है और मार्केट आपकी चलेगी। तो दोस्तों आज आपके लिए मैंने 6 स्टॉक निकाले हैं बेहतरीन किस्म के, ये बड़ी अंथक मेहनत से, कोशिशों से और जो माइक्रोस्कोपिक दूरबीन होती है ना उसके नीचे रख के ये निकाले गए हैं कि ये हर लिहाज से बेटर हैं, बेस्ट हैं और एक्सीलेंट है मार्केट में। तो ये स्टॉक जो है ना ये वाले आप बाय कर सकते हैं, ये 30 रुपीज़ पे या लेस देन 30 रुपीज़ पे हैं लेकिन 60 से नीचे आए हैं। तो ये स्टॉक जो है अगर आप खरीदते हैं तो 2 माह की होल्डिंग से आपके ये स्टॉक डबल हैं, ठीक है। अगर आप मिसाल के तौर पे 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं इन स्टॉक में या 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट आपकी 10 लाख होगी और 10 लाख की आपकी 20 लाख होगी सिर्फ दो मंथ की इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले जो है वो लॉट कैम है, लोटे केमिकल के नाम से जो केमिकल सेक्टर में स्टॉक है, आपने देखा है कि इसने अपने फंडामेंटल्स बहुत इंप्रूव किए हैं, इसके EPS बेहतर आ रहे हैं, डिविडेंड भी देना शुरू कर रहा है और फर्दर आने वाले टाइम में बहुत अच्छे डिविडेंड और बोनस देगा। उसके बाद दोस्तों है ट्रीट कॉरपोरेशन, आपको पता है कि बेहतरीन कंपनी है, ज़बरदस्त किस्म की कंपनी है और इसके टेक्निकल भी बेहतरीन है, सिर्फ पटाई की वजह से, पैनिक की वजह से नीचे आया, ये इंशाल्लाह ताला ऊपर आएगा और आपके सब लॉस भी कवर करेगा। उसके बाद दोस्तों इको पैक है, इको आपको पता है कि ये भी अब ज़बरदस्त चीज़ है, इसके आप अगर EPS और टेक्निकल एनालिसिस उठा के देखें तो बहुत ज़बरदस्त आपको मिलेंगे और ये बड़ी जल्दी ग्रो अप करेगा अच्छी मार्केट होने के साथ ही। उसके बाद दोस्तों SNGP का आपने देखा है कि रिजल्ट भी बहुत बेहतरीन आया है, उसके बाद पिछले इसके आप निकाल के देख लें, ये सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन जो है ये इस वक्त बहुत ही एक्सीलेंट अपने मामला चला रही है, मैनेजमेंट भी इसकी बेहतर है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और भी बेहतर हो जाएगी। उसके बाद 5वें नंबर पे सिटी फार्मा, फार्मास्यूटिकल सेक्टर का ये स्टॉक है और कम अज़ कम 60 से 65 रुपये की आइटम है ये, जो कि इस वक्त 25-26 रुपये पर घूम रही है, आप इसको खरीदें इंशाल्लाह ताला आगे ये काफ़ी इम्प्रूवमेंट और दिखाएगी। उसके बाद दोस्तों लास्ट है जी कोहिनूर एनर्जी, आपको पता है कोहिनूर का जो ग्रुप है वेरी मच स्ट्रॉन्ग और जिसमें कोहिनूर पावर आ जाता है, कोहिनूर एनर्जी आ जाता है, कोहिनूर मिल्स आ जाता है, ये सारे ग्रुप अच्छा चलता है लेकिन इसमें सबसे बेटर जो डिविडेंड वगैरह भी देता है वो है जी कोहिनूर एनर्जी। तो ये 6 स्टॉक्स थे,
आप इसको खुद भी देखें, इसका एनालिसिस करें और फिर आपका क्या डिसीजन होता है आप कमेंट में भी जो है वो उसका इजहार करें। और इस वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपका दोस्त, आपका खादिम, आपका मुखलिस आमिर शहजाद, अल्लाह हाफिज़।